बरसाना के मान मंदिर से चलकर श्री राधा रानी ब्रज यात्रा ने राजस्थान सीमा में मंगल प्रवेश किया। वहीं डीग कस्बे में सहित ग्रामीण इलाकों में प्रवेश पर यात्रा का लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। हालांकि COVID-19 के चलते यात्रा में हर वर्ष की अपेक्षाकृत मात्र 150 यात्री ही इस यात्रा में शामिल हो सके। वहीं यात्रा प्रभारी महंत रमाकांत शास्त्री ने बताया कि बरसाना के मान मंदिर से विरक्त संत श्री रमेश बाबा की यह यात्रा 1988 से लगातार चली आ रही है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 4000 से 5000 यात्री आते हैं, लेकिन कोरोना महामारी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा परंपरा का निर्वहन करते हुए मात्र 150 यात्रियों को ही अनुमति दी गई है। वहीं डीग में 5 दिन विश्राम के मौके पर उन्होंने बताया कि कोरोना को देखते हुए इस बार यात्रा में 500 श्रद्धालु ब्रज 84 कोसीय यात्रा कर रहे हैं। यात्रा प्रभारी रमाकांत शास्त्री ने यात्रा का मूल उद्देश्य हरि नाम कीर्तन, गौ रक्षा, ब्रज के ताल, सरोवर एवं पर्यावरण संरक्षण करना बताया। उन्होंने कहा कि बिना भक्ति के ब्रजवासी पशुवत हैं और भगवान भक्ति ब्रज की संस्कृति और स्वरूप ब्रज के लिए ज्योति के समान है। वहीं उन्होंने बताया कि यात्रा उत्तर प्रदेश मथुरा जनपद के विभिन्न गांवों और नगरों से होकर राजस्थान के अनेकों धार्मिक स्थलों से निकलती हुई कुछ हिस्सा हरियाणा में होती हुई पुनः बरसाना स्थित मान मंदिर पहुंचती है। कृपा सन्निधि में चलती है, जो कि पिछले हम समझते हैं 32-33 वर्ष से प्रतिवर्ष ये निकला करती है। यद्यपि इस यात्रा में 15 से 20 हजार यात्री सम्मिलित होते हैं, परंतु इस समय ये महामारी जो कोरोना की चली इसके देखते हुए लोगों की यह परमिशन हम लोगों को नहीं मिल पाई और मात्र 150 लोगों की परमिशन के लिए जिला प्रशासन ने कहा, तो उस दृष्टि से बहुत थोड़े से यात्रियों को लेकर के हम लोग अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए 25 अक्टूबर से यात्रा प्रारंभ करके मथुरा जनपद के समस्त क्षेत्रों में होती हुई आज डीग में प्रवेश किए हुए हैं। डीग में आज प्रवेश करके राजस्थान में हम लोग लगभग 5 दिन रहेंगे। चूँकि बाबा की यात्रा का उद्देश्य मात्र परिभ्रमण नहीं, अपितु ब्रज के पर्यावरण और ब्रज के वन उपवन सरोवर आदि के संरक्षण संवर्धन का उद्देश्य बाबा महाराज का रहता है। इसके अतिरिक्त गांव-गांव में भगवान नाम का प्रचार प्रसार हो, ये दृष्टि सर्वथा यहाँ महत्वपूर्ण होती है और इसी कारण हम लोग गांव-गांव में ये प्रचार करते हुए निकलते हैं। आज जैसे हम लोग यहाँ उमरा गांव आदि से इनसे निकले, तो कई गांवों में इस बात के लिए विशेष जोर दिया गया कि बिना भगवान नाम के जीवन निरर्थक है और हम लोग बिना भगवान नाम के ब्रजवासी नहीं हैं, अपितु मृत प्राय पशुवत हैं। तो इस तरह बाबा के उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रज का स्वरूप, ब्रज की संस्कृति ये सारे विश्व के लिए एक ज्योति स्वरूप है और उसका प्रचार प्रसार उसी तरह होना चाहिए। यात्राओं में यद्यपि ये बातें होती नहीं है, इस यात्रा में 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन रहता है और ब्रज के सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है।